हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कमलदीप सिंह और मैं आज आपके सामने इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि आप लोगों के एसएससी के एग्जाम्स चल रहे हैं और आप लोगों को मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप सभी को पता है यार, किसी भी मुकाम को पाने के लिए दो चीजों की सख्त जरूरत होती है। एक तो आपका दृढ़ निश्चय और दूसरा कभी न टूटने वाला हौसला। तो अगर आप कभी भी संघर्ष के रास्ते में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका हौसला टूट रहा है, तो आपको किसी एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो आपका हाथ पकड़े और आपसे बोले नहीं, अभी लक्ष्य काफी दूर है, अभी और चलना है। तो मैं वही साथी बनकर आपके सामने आया हूं कि आपका हाथ पकड़ूंगा और आपको उठाऊंगा कि अभी लक्ष्य काफी दूर है, अभी और चलना है। ठीक है, आप एग्जाम्पल लेकर भी देख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर हो गए आपके, धोनी को ले लो यार, ठीक है, साथ में नेल्सन मंडेला को ले लो, कि ये ऐसे इंसान हुए हैं आपके कि इन्होंने इतिहास बनाया है। इतिहास क्यों बना सके? क्योंकि इन्होंने अपने लक्ष्य को सर्वोपरि माना है। दिन रात उस लक्ष्य के लिए जलना पड़ा है इन लोगों को, तब जाके कहीं इन लोगों को ये मुकाम हासिल हुआ है। तो आप भी अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और पूरी शिद्दत के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगे रहो। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया आपको सलाम करेगी। तो गाइज, आप लोगों का एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम दो। ऑल द बेस्ट बोलता हूं आप सभी को एग्जाम्स के लिए। और मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने लक्ष्य को ही अपने माँ बाप, माता पिता या सब कुछ अपने वही लक्ष्य को मानते हैं, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि आप जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आप उस लक्ष्य को पाएंगे और इस मुकाम तक पहुंचेंगे कि दुनिया आपको सलाम करेगी। तो दोस्तों, लगे रहिए और डटे रहिए अपने लक्ष्य की ओर।